नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर लोकसभा से भावे प्रत्याशी प्रिंस चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव बदाई खुर्द के बूथ नंबर 1 पर जनसभा का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वह इस क्षेत्र में सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। प्रिंस चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, यहां पर किसी को भी बिजनौर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुजफ्फरनगर में ही वह अपने रहने की व्यवस्था करेंगे और हर गांव में 10 दिन में एक बार जरूर आएंगे, जनसमस्या भी सुनेंगे और क्षेत्र में काम भी करेंगे। यह जनसभा बधाई खुर्द में हुई। वहीं ग्रामवासियों ने प्रिंस चौधरी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रिंस चौधरी ने बुजुर्गों को फूलमाला पहनाकर और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ग्राम चौपाल है जो मेरे किसान भाइयों ने और भाई साहब ने मिलकर हमने ग्राम चौपाल की है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ मोदी जी की जो नीतियाँ जन जन तक पहुँचाने का हम लोगों ने आह्वान किया है और हम सब मिलकर एक नई तरीके की शुरुआत करना चाहते हैं। एक भव्य लोकसभा जो बिजनौर है जिसमें बहुत तरीके के जो हैं समस्याएँ हैं, वो खेल से संबंधित समस्याएँ हैं, स्टेडियम वगैरह, सड़कों की समस्याएँ हैं, उस पर सरकार कार्य कर भी रही है, पर हमारा जो है अपना सांसद पार्टी का न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नहीं, अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप यहाँ से बने जी तो इस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो 18 घंटे अभी से ही मैं 18 घंटे अपने लोकसभा वासियों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्णतः प्रयासरत। अभी आपने बताया था कि संजीव बालियान जी मेरे गुरु हैं जी, उसके बारे में क्या? मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से आम जन मानस में जाते हैं, जो उनके घर पे जो समस्याओं का निस्तारण जिस तरीके से किया जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन जैसा नेता हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।